नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के बारे में। इस वीडियो में कोई भी ओपिनियन नहीं शेयर करने वाला हूं, क्योंकि महिंद्रा ने अलाउ नहीं किया। वैसे भी लोग रिव्यू वीडियो में ओपिनियन शेयर नहीं करते, लेकिन अपन रिव्यू वीडियो अलग से बनाएंगे, प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, बहुत लंबा चलाएंगे, 4x4 वगैरह सब टेस्ट करेंगे। अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल मेरे पास चाबी और चाबी से शुरुआत करते हैं। कुछ इस तरीके की चाबी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और तीन बटन दिए गए हैं। टिपिकल वही महिंद्रा की चाबी जो है हम देखते हैं, वही चाबी यहाँ पर है। तीन बटन है, लॉक अनलॉक और जो है आपको बूट को अनलॉक करना हो तो वो। अब लॉक अनलॉक करते रहने पे जो है मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। जब आप गाड़ी अनलॉक करोगे तो DRL जल जाएगी यहाँ पे। ये नीचे आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्टर में फॉग लैम्प दिया गया है। ये आपके पास रिफ्लेक्टर LED बेस्ड, ये प्रोजेक्टर LED बेस्ड दिया गया है। आगे की तरफ गाड़ी में यहाँ पे कैमरा देखने को मिल रहा है। 360 डिग्री कैमरा नहीं है, आगे की तरफ कैमरा दिया गया है। क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरियंट है इसलिए इसमें 18 इंच के जो है व्हील्स दिए गए हैं। ये टायर देख पा रहे हो, बड़े प्रोफाइल के टायर यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में साइड में यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है, जिससे भी आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो। और जो है ये इस तरफ भी है, दूसरी तरफ जो पैसेंजर है उसको भी देखने को मिलता है। और यहाँ जो रियर में आप ये देख पा रहे हो, इसमें भी देखने को मिलता है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है फ्यूल, क्योंकि ये डीजल है तो यूरिया डलना बिल्कुल जायज़ है, तो वो भी यहाँ पे डाला जाएगा। Adreno X यहाँ लिखा हुआ है। और पीछे की तरफ जो है स्पेस क्या है उसकी बाद में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको इधर से दिखाता हूँ और घूम के वापस लौटता हूँ मैं कहाँ पे, ड्राइवर सीट पे, जहाँ पे बाकी बातें करेंगे। अभी देखो, ओपिनियन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं GBHP पे डाल रहा हूँ, क्योंकि ओपिनियन देना महिंद्रा ने मना किया है। एक तरीके से मार्केटिंग एक्टिविटी आप कह सकते हो, कि जहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। एनीवे, ये आपके पास स्टीयरिंग यहाँ पे दिया गया है और ये स्टीयरिंग पे महिंद्रा का नया लोगो है। यहाँ पे दिए गए हैं आपको कंट्रोल्स, जो कि आपकी जो MID जो इंफोटेनमेंट यूनिट जो है उससे जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स हैं। अभी जो स्क्रीन फ्लिकरिंग हो रही है ना, ये हो रही है मेरे कैमरा की बदौलत, मेरे कैमरा की वजह से, जिसको मैं सही कर देता हूँ। एक मिनट अगर आप रुकेंगे, अब शायद स्क्रीन फ्लिकर नहीं होगी। ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल की स्विचेज है और ये MIDU कंट्रोल करना है। अब MID टिपिकली वही है जो हमने महिंद्रा की कुछ और गाड़ियों में देखी है, मतलब जिस तरीके से काम करती है। XUV में जिस तरीके देखी है, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन सेटिंग्स, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, ये दिखती है। व्हीकल इन्फो में क्या मिलेगा आपको, व्हीकल इन्फो में आपको टायर प्रेशर क्या है वो दिख रहा है, टेम्परेचर क्या है वो दिख रहा है, पावर एंड टॉर्क क्या है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट वाले में, यानी कि आपका नेविगेशन जो है उसमें क्या है। तो ऑब्वियसली नेविगेशन में तो नेविगेशन आएगा, उसके अलावा कुछ अतरंग चीज़ आ नहीं सकती है। उसके बाद में आपके पास में सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि AEF ऑटो रीसेट, पैसेंजर एयरबैग, ड्राउजी नेट डिटेक्शन सिस्टम जो कि टॉप एंड में आता है, और TPMS ऑटो लर्न, टायर फिल असिस्ट वगैरह वगैरह सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हो। अलर्ट हिस्ट्री अगर कुछ आई हुई हो तो ड्राइव इन्फो, जैसे कि मतलब ट्रिप सेटिंग्स जिसको हम बोलते हैं आमतौर पर, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, वो इधर आपको दी हुई है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे फ्यूल इन्फो है, यहाँ पे डिजिटल स्पीड है। ऑब्वियसली इसको अगर आप करोगे तो बीच में डिजिटल स्पीड आपको शो होती रहेगी। अभी गाड़ी चल नहीं रही है इसलिए जीरो दिखा रहा है आपको। मैं बता दूँ यहाँ पे जो है ये पेट्रोल होती तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा होता है रेड लाइनिंग, बट ये डीजल है तो इसलिए आप यहाँ देख पा रहे हो। इधर आपके पास में डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर है, बाकी ये फ्यूल की इन्फॉर्मेशन, ये मोड जो है उसकी इन्फॉर्मेशन। अगर मैं मोड चेंज करने जाऊँगा तो अभी तो गाड़ी जो है वो क्योंकि रुकी हुई है, अभी गाड़ी चालू नहीं है, इस वजह से जो है मोड चेंज हो नहीं रहा मेरे ख्याल से। हाँ, अब ये सैंड मोड एक्टिवेटेड आप यहाँ देख पा रहे हो, और ये मोड जो है यहाँ चेंज हो रहे हैं, तो ये आइकन भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। और पता नहीं अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ कैसे आएगी बीच में। एनीवे, यहाँ पे दिखाता है कौन सा मोड कहाँ कुछ है। मैं बंद कर लेता हूँ ताकि बाहर से जो है आवाज़ आना कम हो और मैं आपको जो है और प्रॉपर तरीके से बता पाऊँगा, डिस्टर्बेंस वगैरह मुझे ना हो। यहाँ पे आपके पास ग्रैब हैंडल है, जो पकड़ के आप चढ़ना चाहें तो उधर है। अब देखो मटेरियल कैसा है, इसकी बात तो मैं आप बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पे आपको जो है सेम चीज़ें मिलती है जो आपने XUV में लगभग देखी है। Altroz में भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीट, मतलब डिज़ाइन थी इसकी। ये सब पावर विंडोज़ है, वन टच अप डाउन जो है वो नहीं दिया गया, वो सिर्फ यहाँ पे ड्राइवर जो है उसको यहाँ देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ बॉटल होल्डर है, यहाँ थोड़ा सा और स्पेस है, ये आप यहाँ से पकड़ के बंद करने का सिस्टम है। और बढ़िया सोनी के बहुत सारे स्पीकर्स दिए गए हैं, जो कि आपको XUV में देखने को मिला था वैसा का वैसा है। स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो यहाँ दिया गया है। उसके नीचे ये पार्किंग टाइम ऑन ऑफ करनी हो तो वो सिस्टम, और ये आपको हेडलाइट लेवलिंग करनी हो तो वो सिस्टम आपके पास यहाँ पे है। इधर आपके पास में कंट्रोल है हेडलाइट्स जुड़े हुए, ऑटो हेडलाइट्स ऑब्वियसली आती है। यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है उनके कंट्रोल दिए गए हैं। और उसके बाद में इस तरफ जब हम आते हैं तो ये एक टच स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उद्घाटन में इसका कर देता हूँ, एक्चुअली अच्छा तो नहीं लग रहा है ये करते हुए, बट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपके पास में टच स्क्रीन में क्या क्या फीचर्स है, वैल ये होम बटन है और कुछ इस तरीके से आप नेविगेट करेंगे, रेडियो, म्यूजिक, फोन, नेविगेशन एप्लीकेशन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का पे ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन उसके साथ में और भी दुनिया भर की एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम जो है आते हैं कहाँ पे भैया, सेटिंग्स में। सेटिंग्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जनरल डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, ऑडियो, एलेक्सा, फ़ोन वगैरह वगैरह। जनरल पे मैं चलता हूँ और जनरल में फैक्ट्री
सेटिंग रीसेट्स वगैरह जो है यहाँ पे दिया गया है। अभी ये टच स्क्रीन जो है ये एंड एलेक्सा एनेबल्ड भी होगी, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे है, और एलेक्सा के कमांड्स वगैरह, व्हाट्स रिवर्ड्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। ये आपके पास में नीचे वॉल्यूम से जुड़े हुए कुछ चीज़ें, शॉर्टकट्स है। आई लाइक दिस, ये हर गाड़ी में होना चाहिए, एकदम से आप क्विकली जो है जगह पहुँचाओ। बट ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ कर तो रहे हैं बट थोड़ा सा डीले है इनमें। हाँ थोड़ा नहीं, अब ठीक है, पहले शायद मेरे ढंग से दबा नहीं। यहाँ पे एसी के कंट्रोल है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, और यहाँ पे जो है ये आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी का क्या हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल बंद करने का सिस्टम। बट इसका डिस्प्ले कहाँ आ रही है वो नहीं पता, डिस्प्ले कहीं भी, हाँ ये यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले आ रही है इसकी। उसके बाद में ये हिल हिल डिसेंट असिस्ट है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफ ऑन रखना है या नहीं रखना है। एक अपन भले का काम कर देते हैं, वो इसको वापस चिपका देते हैं। ये लो आप, असेंबली लाइन में गाड़ी नहीं है बट हम इसकी असेंबली कर देते हैं यहाँ पे। ये हमने फॉर्मेलिटी वापस कर दी। यहाँ पे आपके पास में नीचे जो पैसेंजर एयरबैग वगैरह, ये वायरलेस चार्जिंग जो कि टॉप एंड में एज एन ऑप्शन आएगा एल उसमें है, और ये नीचे आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक नहीं आएगा एक्चुअली, वायरलेस चार्जिंग मैनुअल में नहीं आएगा। ये आपके पास में चार्जर है इधर नॉर्मल, ये यूएसबी आपको कनेक्ट नहीं हो तो वो। ये गियर सेलेक्टर नॉब है, और गियर सेलेक्शन अगर हो रखा हो तो सैंड मोड, आपका विंटर मोड, टेरेन मोड, कौन से मोड में जाना है, एक्चुअली न्यूट्रल में आता हूँ, कौन से मोड में जाना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अरे आ ही नहीं रहा, चेंज ही नहीं हो रहा, कब चेंज होगा, आई डोंट नो, अभी तो चेंज नहीं हो रहा है ये। बट फोर व्हील लो और फोर व्हील हाई जो है उसमें आपको जब जाना है तो यहाँ से जो है वो सारी चीज़ें की जा सकती है। अभी क्यों नहीं हो रहा है आई डोंट नो, किस तरीके से होगा दैट इज़ ऑल्सो आई डोंट नो। अब चेंज हुआ है, शिफ्ट टू फोर व्हील हाई टू एंगेज फोर एक्सप्लोरर मोड, फोर व्हील हाई में जाएंगे तो ही होगा। बट मुझे अगर मान लो ये फोर व्हील हाई में मैं गया, ओके अब देखो मोड चेंज हो रहे हैं, अब देख रहे हो ये मोड चेंज यहाँ पे हो रहा है, ये लग रहा है तो ब्लिंक कर रहा है, और लग जाएगा तो ब्लिंक करना बंद कर देगा आपको। मतलब कोई भी तरीके का नहीं मिल रहा है यहाँ पे ECS इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर ECM, यहाँ पे आप अपना चश्मा रख सकते हैं, और उसके बाद ये ब्राइट लाइट दिखती है, ब्राइट लाइट जो है यहाँ पे, वाइट लाइट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। सनरूफ आ गया है भाई साहब, क्या बात करते हो आप, मतलब पूरे भारत की पसंद सनरूफ, बट इस सनरूफ, अरे अच्छा ये मैनुअली ऐसे ट्रैक करना पड़ेगा इस, ये तो सिस्टम ठीक है, सनरूफ खुलेगी कैसे, व्हाट इज दिस, ओके अब खुलेगी सनरूफ, ये देखो आप यहाँ पे सनरूफ खुल रही है। उसके बाद में आपके पास में सीट्स जो है कुछ इस तरीके की आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बॉटल होल्डर इधर हो गया, जो मैनुअल है उसमें ऑब्वियसली ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे बॉटल होल्डर जो है एक और मिल जाता है। मैनुअल 4x4 अभी तक मैंने देखा नहीं है यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ, और ये छोटा सा ग्लव बॉक्स में 2-3 फोन आ जाएंगे आपके, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। स्लाइडिंग व्लाइडिंग तो नहीं लग रहा है ये, इनफैक्ट आपका ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये भी जो है ऊपर नीचे नहीं होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही तरीके का एडजस्टमेंट आप यहाँ आता है। सोनी के स्पीकर सिस्टम है, ब्रांडिंग जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ब्रांडिंग दी गई है। आओ देखते हैं कितना बड़ा है, थार में तो देखा था आपने कितना बड़ा था, बट इसमें जो इतना बड़ा है यहाँ पे आपके पास में दिया गया है। और उसके बाद में ये आपका हैंड ब्रेक है जो कि मैनुअल है, इनफैक्ट क्योंकि ऑल डिस्क है तो जब भी आप इसको जोर से खींचेंगे तो आपको जो मेन ब्रेक पैडल है वहाँ पे उस पर हल्की सी सेंसेशन जो है वो फील हो जाएगी। अभी ये सनरूफ को वापस बंद करता हूँ, वन टच में बंद हो जाती है वो, पहले पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी, मेरी कोई गलती रही होगी, ठीक है, बिकॉज बिग डैड इज़ ऑलवेज राइट। एनीवे ये गाड़ी यहाँ पे मैंने चालू तो कर दी है, एक बार चालू ही रहने देता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये सीट जो है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है ताकि आप रियर का स्पेस समझ पाएँ, और यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स वगैरह बैठने में कैसी हो आपको अभी बता नहीं पाऊंगा। बट ये आप देखो यहाँ पे आपके पास में सीट एडजस्टमेंट है, लंबा सपोर्ट है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट का जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है, और इधर आओगे तो आपके पास में रियर सीट। अब रियर सीट में आपको एक्चुअली स्पेस कैसा मिलता है बताने की मेरी बहुत इच्छा है, बट मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, आप ये देख लो कुछ ऐसा स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ ये लाइट्स दी गई है जो कि ऑब्वियसली दरवाजे के हिसाब से ऑपरेट करती है, बट स्पेस कैसा है वेल आप यहाँ देख सकते हैं एक्चुअली। और उसके बाद में ये सीट जो है मेरा गले में लाल पट्टा जो है पैकली लेनियार्ड है जो कि टेढ़ा हो गया शूट करते करते। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इससे रियर में कैसे जाते हैं। यहाँ पे आपको एमिनिटीज़ के नाम पे ब्लोअर मिलता है, ये एक टाइप सी चार्जिंग मिलती है, वेरी नाइस। आपको दरवाजे में क्या मिलता है, वाले दरवाजे में आपको एक ये विंडो ओपन करने का बटन है, और ये यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है बॉटल होल्डर एक तरीके का। उसके बाद में अगर आप देखें तो पहले मैं आपको रियर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट सीट। तो ये आप देख पा रहे हैं ये सीट जो है आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से नीचे चली जाती है पूरी, अभी ये नहीं जा रही क्योंकि ये अटका हुआ है मामला, एक्चुअली ले जाके दिखा देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ कहीं से तो पुल होती है, ये रही यहाँ से पुल होती है, तो आप इसको जो है ऐसे ऊपर लगा के यहाँ फंसा सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको और चीज़ें मिलती है जैसे कि हज़ार ट्रायंगल वगैरह, और नीचे जो है आपको यहाँ पे कहाँ मामला स्पेयर व्हील अगर आपको खोलना है तो उसका सोल्यूशन आपके पास यहाँ है, और आपके पास में टूल्स वगैरह कुछ चीज़ें यहाँ पे भी दी गई है। लेकिन इसको मैं वहाँ पे लगाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना है भाई स्कॉर्पियो, एकदम मतलब ऐसी वाली सीट यहाँ आपको नहीं दिखने मिलती साइड वाली, इसको मैं लगाया है रियर सीट जो है। मैं इधर क्यों आया, क्योंकि वन टच टंबल अप होने का सिस्टम जो है आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है,
ओके वन टच में हुई नहीं क्योंकि वो बीच में आ गई, ये सीट काफ़ी पीछे थी, बट रियर में जाके मैं आपको बताता हूँ क्या सब मामला है। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं इतना ये स्पेस अवेलेबल है, इतना ही है, और ये स्पेस यहाँ अवेलेबल है, लाइट यहाँ अवेलेबल है, और लाइट के साथ में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ये एक स्पेस यहाँ अवेलेबल है, सीट बेल्ट अवेलेबल है, प्रॉपर थ्री पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और हेडरेस्ट जो है वो भी एडजस्टेबल है, और एमिनिटीज़ में कोई भी एसी जैसी चीज़ नहीं दी है। बूट में आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो ज़रूर मिलता है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा में जो है कि कुछ चार्ज लगा के ऐसा कुछ सिस्टम करना है आपको तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। एनीवे लेट्स गो आउट अगेन, वॉक इन वॉक आउट करते हुए। ओके ये मैं आ गया हूँ बाहर, अभी ये पर्टिकुलर जो है डीजल यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है, और जैसे ही महिंद्रा स्कॉर्पियो ओबियसली बोनेट खुलता है तो हज़ार लैम्प शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ ललित ने खोला था वो, इसलिए जो है हज़ार लैम्प जल गए हैं। भाई इतना भारी है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, ललित प्लीज़ फैसिलिटेट। यहाँ पे आपके पास में इंजन है, ये डीजल इंजन यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं 2.2 लीटर वाला जो भी है आप अपने हिसाब से लगा लो, जो भी डीजल 80Z101 कोड है महिंद्रा स्कॉर्पियो का, यहाँ पे आपके पास में दी गई है ऊपर की तरफ इंसुलेशन, और अब मैं बंद करके आपको जज करने के लिए छोड़ देता हूँ कि क्या सब सिस्टम है। DRL आप देख पा रहे हैं, कहाँ के DRL, ये आप जो इंडिकेटर देख पा रहे हैं ये DRL नहीं है, DRL आपके यहाँ मैंने बता दिया था, वापस क्यों बता रहा हूँ, पार्किंग सेंसर आपके पास में यहाँ अवेलेबल है फ्रंट में। तो भैया बिग डैडी में क्या क्या चीज़ें हैं तो मैंने आपको बता दी है, अब बिग डैडी जो है वो असल में डैडी कितने स्ट्रांग है, क्या सब चीज़ें हैं, ओपिनियंस वगैरह जो है वो ढंग से चला के दूंगा मैं, बाय।